ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बहुत आ रही है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रही प्लीज। पहले जो कल पढ़े थे दो मिनट तक रिवाइज कर लें, बच्चों का इकट्ठा होना शुरू करते हैं। बस कर दें सर जी, बस कर दें, बस कर दें, बस कर दें। मुस्कुराहटे संभाल के रखें, रिजल्ट वाले दिन मुस्कुराइएगा एक दफा। कल वाला रिवाइज कर लें, जहां जहां इश्यूज हैं प्लीज वहीं से शुरू करते हैं। दो तीन क्वेश्चन लेते हैं, उनमें तो नहीं मसला जब अपने मन दरवाजा बंद के लिए कहते जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए कहे थे कर लिए सबने, इश्यू तो नहीं है। चलिए सर जी, डिस्पोजल की बहस हुई थी, शुरू हुई थी, इस पर रिवाइज कर लूंगा। कौन सा चलिए सर जी, डिस्पोजल अकाउंट की बहस वहीं से शुरू कर देते हैं। डिस्पोजल अकाउंट से पहले रिवाइज करना था, डिस्पोजल मींस अगर कोई एसेट सेल हो जाए तो ये कैसे पता चलेगा कि गेन हुआ है लॉस, ढूंढ के सर जी ढूंढ के फाइनल करें सर, इस अमाउंट को किस अमाउंट से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। सेल प्रोसीड किसे कहते हैं, सेल प्रोसीड मीन जो पैसे मिले एसेट को बेचे, और डब्ल्यूडीवी मीन कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर सेल प्रोसीड ज्यादा होंगी तो गेन हो जाएगा, अदरवाइज लॉस हो जाएगा। डिस्कशन सर ये स्टार्ट हुई थी कि ये गेन लॉस कंट्रीज करनी पड़ेगी, इस गेन या लॉस की काउंटिंग करने के लिए काउंटिंग एंट्रीज करनी पड़ेगी। और काउंटिंग एंट्रीज से बड़ा एंगल से बात ही हो रही थी कि अगर आपने क्वेश्चन के मुताबिक डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करना, एग्जामिनर ने कहा है कि गेन लॉस की कैलकुलेशन के लिए डिस्पोजल अकाउंट वाला लेजर बनाए, तो इस लेजर में गेन लॉस तभी आ सकता है अगर हमें अगर हम वो पैसे लिख लें जो एसेट को बेच रहे हैं, और उस एसेट की डब्ल्यू डी वी लिख लें जो एसेट की डब्ल्यू डी वी जिस वक्त एसेट बेचा बनाई गई, तो इन दोनों का अगर कंपेरिजन हो जाए तो हमें पता चलेगा कि गेन है या लॉस है। पता तो हमें चल गया, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके भी हमारे बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस आ सकता है। उसके लिए मैंने पिछले दो एंट्रीज की थी, लास्ट में जरा पढ़ के बोल देंगे क्या एंट्री की थी। कैश डेबिट एक एसेट है, कैश एक एसेट है, तो कैश डेबिट एसेट आ रहा है, ठीक है। और डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट का मतलब ये था कि ये जो इनकम है डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चली गई। तो पोस्टिंग अगर आप कह रहे हैं तो पोस्टिंग बेटा सिंपली है कि कैश का लेजर अगर आप बना रहे होते तो कैश के लेजर में डेबिट साइड पे फिगर आते, और डेफिनेटली इसके अगेंस्ट रेफरेंस पे डिस्पोजल अकाउंट आएगा। लेकिन अगर डिस्पोजल अकाउंट देखा जाए तो वो क्रेडिट हो रहा है, तो अमाउंट क्रेडिट साइड पे आ गई, रेफरेंस कैश आ गई। अब इसी तरह दूसरी एंट्री देख के बोले क्या, एक्सपेंस के तौर पे डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट डेबिट। आपकी इस एंट्री की फिर पोस्टिंग किस साइड पे होगी, डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे, क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट डेबिट है, और ऑपोजिट रेफरेंस मशीनरी आ जाएगा। फिर लास्टली मैंने ये कहा था कि यकीनन मशीनरी के लेजर में भी इसका इफेक्ट आना चाहिए, तो एनवे पर हमने मशीनरी के अकाउंट में डिस्पोजल का रेफरेंस लेके क्रेडिट कर दिया। तो कैश का लेजर भी अगर बना रहे हो तो कैश डेबिट अपने लेजर में होगा,
मशीनरी क्रेडिट अपने लेजर में और डिस्पोजल अकाउंट में ये फिगर्स आ जाने से एक दफा दोबारा देखिएगा बोर्ड पे। हम इसको उसी तरह बैलेंस करेंगे जिस तरह कोई भी लेजर बैलेंस किया जाता है। क्रेडिट साइड ज्यादा ट्रेड 20 इधर आ रहा है, 820 ही ऑपोजिट साइड मीन डेबिट साइड पे होना चाहिए। इन डिफरेंस कितना बनता है तो 1 लाख का गेन क्यों है, क्योंकि कैश ज्यादा है, एसेट की डब्ल्यू डी भी कम है। वैसे भी क्रेडिट बैलेंसेस जो है वो गेन रिफ्लेक्ट करेंगे, डेबिट बैलेंसेस अगर होंगे तो लॉस रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये चंद गुजारिश आप कोई और कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को देखा, एक नई चीज है जरा थोड़ा सा यूज तो होना पड़ना जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कन्फ्यूजन लेफ्ट? अब ये जो सेकंड एंट्री हुई है ये आप डेटा के ढूंढ के बताना चाहें तो ढूंढ के बता दें, ये 7,20,000 कॉस्ट की बेस पे डबल एंट्री हुई है या डब्ल्यूडीबी के बेस पे, तो लिखना जरा। ये एंट्री होती है एट डब्ल्यूडीबी, सेकंड एंट्री के नीचे लिखना और किस दिन की डब्ल्यूडीबी। एक मिनट पहले फाइनल कर अपना लेजर दिन मशीनरी वाला, किस दिन की डब्ल्यूडीबी, नहीं इस दिन डिस्पोजल हुई। अब डिस्पोजल अगर साल के शुरू में है तो साल के शुरू की डब्ल्यूडीबी है, ये मिड में होगी तो उस दिन की, मतलब किस दिन आपको देखना चाहिए कि कैश किस अमाउंट से ज्यादा आया, जिस दिन आप बेच रहे हैं उस दिन देखना चाहिए कि पैसे कितने आए और उस दिन एसेट कितना रह गया। तो ये किस दिन की डब्ल्यूडीबी की तलाश किया करेंगे हम, डब्ल्यूडीबी विच इज ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, तो पूरे वर्ड लिखा एट डब्ल्यूडीबी ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, तो ये मेंशन करना था। Add WDB on the date of disposal. ये आपको सही लग रहा है? थोड़ा सा चेंज इसको करना है या इधर आ गए तो देख खाली तो साफ बैठे हैं चेहरे का साथ कर ले ये भाई से कहिए नहीं ये बता आपको तो नजर आ रहा है ये जो वही रोड लेट्स स्टार्ट ड्राइंग अकाउंटिंग सेट हो गया से काम। अब इतना फोकस अगर एंट्रीज पे करें तो एंट्री टिप्स पे हो जाएंगे। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ डिस्पोजल सर, देख के बोलनी है सदीप कांडी मायूसी से स्टार्ट ना किया करें, एक दफा जरा फुल कंसंट्रेशन से हो जाएगा, आवाज ऊंची आ जाएगा, आंखें बंद करके रिपीट कर देना, आंखें बंद ही की आपको दूसरी एंट्री देखे बोल नेक्स्ट एग्जाम्पल ठीक है एकदम आगे बंद करके हो रहे भाई रेडी था थोड़ी जरा डिस्कशन कंप्लीट करना एक और एग्जाम्पल की तरफ आएगा देखना अगर स्पेस थोड़ी सी है तो नेक्स्ट पेज बेहतर है। एक इसका कल एग्जाम्पल बनाई थी अब कहीं खुदा ना खासा हमारा इख्तलाफ इसी पे ना रह जाए कि हमारा सफा आधा तो बच जाता रोज। मशीनरी अकाउंट और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अब अलग अलग खोला बस कर दे सर जी बस कर दे प्लीज बस कर दे। मशीनरी अकाउंट डेबिट एक मशीनरी है जी, मशीनरी अकाउंट डेबिट कैश कर 1 जनवरी 2020 एक साल गुजर गया 31 दिसंबर डेट आ गई। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर लगा बन रहा तो डबल एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेबिट
क्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन। लेट्स अज्यूम फिगर इज 40,000 फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, देन बैलेंस दिस दीज लेटर्स। एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन को क्योंकि हमने सेपरेट लेजर में रख लिया है, इसकी मशीनरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस अब कॉस्ट ही नजर आएगा। आई होप क्या महसूस हो रहा होगा, एक हफ्ते से मैं यही बात लगाऊं, लेकिन ये बात शायद इतनी इंपॉर्टेंट है कि शायद अभी दो हफ्ते और हम इसी चक्कर में लग रहे, तो काइंड इससे बोरियत महसूस ना कीजिएगा, यही असल गेम। फिलहाल अगर हम यही हजम कर लें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन का उठाए 1 जनवरी 2024। एक साल और गुजार लें 31 दिसंबर 2021। accumulated appreciation of 20,000 once again, balance the ledgers, बैलेंस का जरिए अब देखते क्या लिखी जा रहा है। एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन आफ्टर 2 इयर्स 40-40 चाल के 80 एक्युमुलेटेड हो। लास्ट टाइम हजरात बैठे नजर आ रहा, थर्ड ईयर ब्रॉट डाउन था, ब्रॉट डाउन 8,000 and 80,000 रिस्पेक्टिवली। मैंने डेटा बेटा वो कल वाला लिखा है अपने कल वाले मशीनरी के लेजर में जाए, सर एक फुल एफर्ट रिक्वायर्ड है सर। क्या डिफरेंस है उन फिगर्स में और इन फिगर्स में? कॉस्ट सेम है, डेप्रिसिएशन सेम है, लेकिन वहां 720 है, यहाँ 8 लाख, यहाँ भी 720 है। यस सर, लेकिन 8 लाख माइनस 80,000 करके वहां डायरेक्टली 720, दिस इज द ओनली डिफरेंस। यहाँ सेपरेट लेजर्स है, वहां WDV पे लेजर, बस ये फर्क। देन नीचे 4-5 लाइनें रख लें इस लेजर को कंप्लीट करने दोनों, और एक स्टैंडर्ड्स लिख लें। ऑन 1 जनवरी 2022 मशीनरी सोल्ड 20, एक फिगर मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में देख लेते हैं। फॉर पीस सपोज 6,50,000 इन कैश, तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करता हूँ। 1 जनवरी 2022 पे मशीनरी फॉर रुपीज 6,50,000 इन कैश। सबसे पहले तो यहां तक लिख के जरा कैलकुलेट कर दें कि गेन है या लॉस है।
गेन है, लॉस है, पता कैसे चलेगा सर? लेजर बेटा सेपरेट क्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन के बने हो या ना बने हो, गेन लॉस का कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। अब 8 लाख को 6 लाख 50 के साथ देखो, 8 लाख तो भी कॉस्ट है, तो गेन लॉस हमेशा डिफरेंस बिटवीन सेल प्रोसीड्स एंड डब्ल्यू। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स? 6 लाख 50 हजार। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डब्ल्यू डी? फर्क बस ये कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6 लाख माइनस 80,000। तो वाई दिस 70,000? 70,000 720 बनेगी ना डबडी। वैसे तो नेगेटिव फिगर भी आ जाएगी लेकिन उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम इक्वेशन के तौर पे भी देखें तो सेल प्रोसीड्स कम है, माइनस ज्यादा हो रहा है, देख रहे हैं कम इसका मैथमेटिक्स में तो सही रखे हैं तो बारह। लेकिन इस नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाई दिस इज अ लॉस? क्योंकि कैश कम आ रहा है। एंड वाई दैट वॉज गेन? कैश ज्यादा आ रहा है। तो कैश किससे ज्यादा है? डब्ल्यू डी बी से। तो 670,000 नहीं, सेल प्रोसीड्स ही कैश, सेल प्रोसीड्स ही कैश का, कैश ही का एक और नाम सेल प्रोसीड है। और डब्ल्यू डी बी 720 है, देयरफॉर 70,000 कम मिला है। किस से कम मिला? डब्ल्यू डी बी से कम मिला। बोल ले वर्ड्स इनसे हमें यूज होता है ना, तो डब्ल्यू डी बी से कम मिला है कैश, देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर इज लॉस ऑफ डिस। अगर कैश डब्ल्यू डी बी से ज्यादा मिल जाए तो गेन है, अदरवाइज लॉस। अब इस स्टोरी में भी हमने डिस्पोजल अकाउंट बनाना सीखा। तो वंस अगेन अगर एग्जामिनर हमसे कहे डिस्पोजल अकाउंट बनाए, तो हम डिस्पोजल अकाउंट मींस एक लेजर ऑफ डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। लिखो, अब अगर आपने कंसंट्रेशन रखी तो एक नई चीज आनी है लेकिन आपको पता है, और अगर कंसंट्रेशन ना हुई तो उसका फायदा कोई। तो डिस्पोजल अकाउंट खोल के रख लें बस। जी सर, जो कल एंट्रीज पढ़ी आज रिवाइज करने की कोशिश की, उन्हीं से शुरू करें। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश? कैश की एंट्री बोल, कॉस्टिंग बाद में करते हैं, लेजर के लिए जगह रखें 4-5 लाइनें, और नीचे एंट्रीज लिखना शुरू करें। पहली एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट। दो दफा और बोल रहे, एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया। यकीन नहीं, इस एंट्री को फिर पोस्ट होना है, कहाँ का होना है वो आराम से दोबारा सोच रहे। तो पहली एंट्री ये होगी, पहली एंट्री। अगर आप पिछला वो पेज जहाँ आपने कल दूसरी एंट्री ली, एक मिनट सर, इन लोगों के साथ देखिए तो सर, जो चांस देख के सर, ये गलत ना हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की काइंडली पार्टिसिपेशन इज हाईली रिक्वायर्ड, हाईली रिक्वायर्ड, हाईली रिक्वायर्ड। नहीं है पिछले पेज पे चले जाए, अगले पेज पे आ जाए, इट इज नॉट ऑप्शनल। कोई देख लेगा, पूरी क्लास में से कोई एक कर लेगा तो सबकी तरफ से हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं। क्या ये अपना अपना पेपर देना है? दोबारा सोच रहे हैं, तसली से सोच रहे हैं। तो अपनी अपनी गेम है, दूसरी एंट्री देख के बोले क्या लिखी हुई आपने। तो दूसरी एंट्री इधर आके लिखे, डिस्पोजल अकाउंट मशीनरी अकाउंट। अच्छा, इस वक्त मैं एग्जांपल्स जो मशीनरी अकाउंट के एंगल से बोल रहा हूँ। अगर ये व्हीकल होगी तो व्हीकल क्रेडिट, बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग क्रेडिट, विच एवर इज एसेट। अब कहीं दोबारा इधर पिछले पेज पर जाओ, वहां एंट्री आपने की थी 720 से, कॉस्ट है डब्ल्यूडीवी से, डब्ल्यूडीवी से, डब्ल्यूडीवी से। यहां भी एंट्री होनी चाहिए डब्ल्यूडीवी से, क्योंकि डब्ल्यूडीवी और कैश के कंपैरिजन से गेन लॉस निकल रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है समझने की भरपूर कोशिश करें, जरा बोर्ड पर देखें, देखिएगा यहां लिखना नहीं, लिखने की जरूरत नहीं। अब बेटा ये तो हमारे लेजर्स है, 8 लाख कॉस्ट है और 80,000 एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन है,
हमारी इस लेजर में आप WDV बनी नहीं हुई। लेट्स अज्यूम अगर मैं वही एंट्री जो आप बोल रहे हैं डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट WDV से अगर एंट्री करो, करनी पड़े WDV से ही है, लेकिन शायद किसी और तरीके से करनी पड़ेगी। लेट्स अज्यूम अगर मैं एंट्री करता हूँ डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, तो किस लेजर में डेबिट साइड पे? डिस्पोजल में। तो मैं इस वक्त कौन सा दिखा रहा हूँ? नहीं मैं नहीं दिखा रहा, मैं क्या ऐसे दिखा रहा हूँ? मैं कौन सा वजन दिखा रहा हूँ? मैं वही दिखा रहा हूँ, एन स्टैंड फॉर मशीनरी। तो डिस्पोजल अकाउंट यकीनन डेबिट होगा, उसकी बात बाद में करता हूँ। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट भी होगा। तो अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ 720 से करूँ और WDV 720 है, कैंडी WDV 720 है, 8,80,000। लेकिन इस केस में इस लेजर ऑफ मशीनरी के अंदर WDV बनी नहीं हुई, ये दो फिगर्स डेट होकर WDV बन रही है। तो अगर मैं 720,000 से एंट्री करूँ तो आपको गौर से देखें नजर आ ये आ रहा है कि ये लेजर का बैलेंस जीरो नहीं हो रहा। लेकिन अगर हमने ये मशीन बेच दी है तो बेचने के बाद तो फिर ये मशीन खत्म हो जानी चाहिए। ये खत्म क्यों नहीं हुई? पता है आपको? पता है आप सोचेगा आपको पता ये खत्म क्यों हो गई थी कल? एक नजर देखें, ऐसा एक नजर देखो तो सही का माल है ऐसे। डेबिट साइड पे 720 WDV थी और 720 से ही हमने एंट्री की बात करो, तो एंट्री तो WDV से ही होनी है। लेकिन यहाँ क्योंकि अब लेजर से ज्यादा हो गए हैं तो 720 लिखने से ही एसेट जीरो नहीं होना। लेकिन क्या इसे जीरो हो जाना चाहिए? क्यों हो जाना चाहिए बजाय? हमें इसमें क्या एतराज हो गया कि जीरो है? एतराज ये कि अब अगर भेज दिए इसकी जगह कैश आ गया हमें तो एसेट अब हमारा नहीं रहा। तो अगर एसेट हमारा नहीं रहा तो हमारी बुक्स में से खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ इस केस में WDV लिखने से क्यों खत्म नहीं हो रहा? क्योंकि ये एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बना हुआ है, वहां खत्म क्यों हो गया था? वहां WDV बन पे लेजर था, WDV पे ही एंट्री होनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या नहीं आ गई? लेकिन कोई इशू वाली बात नहीं है, माशाल्लाह अकाउंटेंट बन चुके हैं, गेम इधर उधर ही की है। मजबूरन ये एंट्री मुझे WDV की बजाय कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, लेकिन अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई। मुझे क्यों ये कॉस्ट पे करनी पड़ रही है? क्योंकि लेजर कॉस्ट पे है। सर ये क्या हो रहा है अभी से? सर अभी तो गेम शुरू, तकरीबन मेरा भाई पहुंच गया था वहां वापस आ गया। मुझे एंट्री करनी किससे चाहिए, कर किससे रहा हूं? तो एक सेकंड में अगर अपनी बात कंप्लीट कर दूं कि मैंने क्या किया, मैंने यकीनन सही नहीं किया, लेकिन जो मैंने गलती की है वो आपने ठीक करवानी। एक सेकंड, डिस्पोजल अकाउंट में आ जाओ, कैश वाली एंट्री देखें, मत लिखे आराम से लिखिएगा, दो तीन बातें लेकिन शायद हमें टाइम लगना। कैश वाली एंट्री देखें, मुझे पोस्टिंग करवाएं, कैश अकाउंट डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है ये पोस्टिंग। दूसरी एंट्री मैंने फिलहाल एंट्री कॉस्ट पे कर दी, कॉस्ट पे कर दी, ठीक है वो कॉस्ट पे अगर मैंने एंट्री की है तो होनी WDV पे है। लेकिन अगर कॉस्ट पे बेटा करो तो मुझे एक मिनट पोस्टिंग करवा लेना जरा। डिस्पोजल अकाउंट में किस तरफ लिखो? देखे देखे ध्यान से देखो, देख के तो आप बोल ले जरा, देख के एंट्री बोलेंगे। डिस्पोजल अकाउंट में किस तरह बढ़ाई? रेफरेंस क्या आएगा? एनी कंफ्यूजन इन द पोस्टिंग? एनी कंफ्यूजन इन द फिगर्स? यस होना चाहिए, ठीक है। पोस्टिंग तो मैंने की है, जो फिगर्स मैंने लिखी है, क्या ये लेजर? अब अकाउंटेंट बन के देखें इस लेजर, क्रेडिट साइड पे कैश है और डेबिट साइड पे कॉस्ट एज इट इज बैलेंस नहीं किया जा सकता या किया जा सकता? अब मुझे करना ये पढ़ना है कि इस कॉस्ट को WDV में कन्वर्ट करना पड़ना,
तब ही लॉजिकल कंपैरिजन हो सकेगा। कैश कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द कॉस्ट, जिस वक्त खरीदा था उस दिन वाली अमाउंट आज कैश जो मिला उससे कंपेयर नहीं हो सकती। होना क्या चाहिए, जब बेचा है उस दिन देखें एसेट कितना रह गया और उस दिन देखें पैसे मिले कितने। तो ये 8 लाख 2 साल पुरानी फिगर है और कैश आज की फिगर, तो इसका कोई कंपैरिजन लॉजिकल नहीं है, इससे सही आंसर नहीं आ सकता। देयरफॉर अब मुझे क्या करना है, इस 8 लाख की कॉस्ट को WDV पे कन्वर्ट करना पड़ना। दोबारा कर लिया, आपने देखना है कल वाले रेजर्स देखें, कल ये बहस क्यों नहीं हुई, आपने इस बात को बुरा नहीं मनाना कि यार एक ही बार में बार बार गिरी जा रहा हूं। ये क्लियर अगर होगा तो इंशाल्लाह ये भी करवा देंगे, और अगर वो क्लियर ना हो सका तो ये भी ऐसी बहस ही रह जाएगी। कल ये इशू क्यों नहीं है, WDV बनी बनाई अवेलेबल है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है WDV बनानी पड़ जाए तो बनाते कैसे हैं, कॉस्ट में से क्या माइनस कर देते हैं यार। तभी बड़ा डिस्पोजल अकाउंट देखें आपके सामने, डेबिट साइड पे क्या नजर आ रहा है, कॉस्ट। अब अगर इसे मैंने WDV पे कन्वर्ट करना है तो क्या मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पे लिख दूं, क्या मैं अक्यूमुलेटेड डेबिट साइड पे लिख दूं भाई, क्या मैं खुदा ना खास्ता इन अकाउंटेंट्स को कोई धोखा तो नहीं दे सकता, या अल्लाह मुझे बता बचा मौला इस भ्रम से बचा मेरे मौला, बताएं मैं किधर लिखूं। लेकिन जहां आप लिखवा रहे हैं गौर से देखें, आप एक डबल एंट्री बनवा रहे हैं। एक सेकंड मुझे फिगर ढूंढ के पहले बताएं कितनी, ढूंढे 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 कहां, क्या 8 लाख डेबिट साइड पे और 80,000 क्रेडिट साइड पे अगर लिख लिया जाए तो ये फिगर्स आपस में नेट ऑफ होके वही 720 बन जाएगा। तो किन पर्सन में ये बना बनाया मिलेगा, जहां एसेट अकाउंट डीडीवी पे होगा और जहां एसेट अकाउंट कॉस्ट पे होगा वहां कॉस्ट रिकमुलेटेड अप्रिसिएशन लिख के WDV पे कन्वर्ट कर दिया करेंगे। लेकिन आपने जो मुझे 80,000 क्रेडिट साइड पे लिखवाया, इसकी एक डबल एंट्री क्या बन रही है, एक थर्ड एंट्री है, नाम सोच लो कौन सा लेजर क्रेडिट हुआ है, कौन सा लेजर डेबिट सॉरी जी जस्ट ये बड़ा आवाज इस वक्त ठीक, नहीं मोबी आवाज ठीक है, नहीं आवाज ठीक है, ये बड़ा ऑनलाइन सर बताइएगा आवाज ठीक है। ये जी मेरे को दवाई कर दे यार, या अल्लाह फिर, या अल्लाह बच्चे पढ़ना चाहे, या अल्लाह मदद कर मौला, या अल्लाह रहम करना।
दबाव में की तरफ ये सर ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80,000 मिली है सर। तो कहिए बेटा एक दफा दोबारा सॉरी एंट्री अगर बोल ले जाए क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। यहां बेटा आपने इतनी पेशेंस दिखाई है, बस 2 मिनट और इतने से पहले क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एंट्री convert the into WDV indirectly क्योंकि separate ledgers बने हुए। ये entry किस amount से हो रही है? Accumulated depreciation के amount से हो रही है, लेकिन किस date की accumulated depreciation? ये कब से कब तक की accumulated depreciation होगी? ये concentration से मेरे word सुनते रहे please, 2 मिनट समझ लो। Accumulated depreciation का ledger देखें, ये 40,000 add होके 80 बना हुआ finally। तो ये परचेज डेट से लेके डिस्पोजल डेट तक या सेल डेट तक की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम ढूंढा करेंगे। तो कब से कब तक की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ करेगी? फ्रॉम द परचेज डेट, फ्रॉम द परचेज डेट अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। पहले अभी आप एंट्री सीन लिख लें, बाद में फिर इसकी मैं पोस्टिंग करता हूँ, वो मेरे साथ साथ रहिए। So from the purchase date up to the date of disposal. ये ऑनलाइन स्टोर्स बड़ा कुछ साथ साथ ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम। इस तरह ना किया करें, ऊपर वाला वो ठीक है मैं दिखा देता हूँ, लेकिन इस तरह बड़ा बात बनती नहीं है। देख के ऐसे लिखने का कोई फायदा नहीं, ये तो पहले पूरी एक बहस होती है, बहस के रिजल्ट में कुछ लिखा जाता है, तो जस्ट लिख लेने से तो फर्क नहीं पड़ता। प्लीज क्लास ज्वाइन किया करें टाइम पर, बहरहाल मैं वो दिखा देता हूँ, लेकिन काइंडली रिक्वेस्ट कल से प्लीज लेट नहीं होना। जी सर आप क्या करें? डिस्पोजल अभी एक्सपेंस के, ये दोनों ये दो फिगर्स मिलके एक्सपेंस बन रही है। एक्सपेंस हमारा 720, लेकिन 720 किसी एक लेजर के अंदर कैलकुलेट नहीं हुआ, वो एक्सपेंस हमें आपस में अब नेट ऑफ करके बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों एंट्रीज मिलके 8 लाख डेबिट डिस्पोजल अकाउंट और 80,000 क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट, फिर नेट ऑफ होकर वो 720,000 का एक्सपेंस बन सकेगा। तो ये वजह इसकी क्या है, हमें दो दफा दो एंट्रीज में ये क्यों करना पड़ रहा, क्योंकि हमने अब लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलहदा बना लिया था, जिसकी वजह से WDV मींस एक्सपेंस ऑफ द एसेट किसी एक लेजर के अंदर नहीं। अब उसे एक्सपेंस बनाने के लिए हमें आपस में नेट ऑफ करना पड़ा। तो ये वो जो एक एंट्री थी उसी एक एंट्री को दो हिस्सों में करना पड़ रहा। अब एक दफा लिखा, मैं जरा इसको रिवाइज करवाता हूँ, दोनों का कंपेरिजन करता हूँ आपस में। हम कल भी यानी कि नहीं थे, बाकी नहीं थे वैसे, कल थे ना, क्या कर रहा था? वैसे कल किधर बैठा हुआ था, कल किधर बैठे हुए थे इस टाइम? नहीं आप सवाल वापस ना लेंगे, सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन ये तो मेरा ख्याल कल से ही गेम चल रही है। तो यहाँ आवाज अगर नहीं आई तो वहां कैसे आई होगी, मैं परेशान इसकी हूँ। आ रही है ये नोट कर लिए सर, समझ जी। सॉरी बेटा अगर आपने क्लास ज्वाइन की टाइम पे किया तो कोई इशू नहीं, अभी ऊपर आ जाए जी। सर ये अब आप कल वाली दो एंट्री जरा सामने रखें, एक मिनट पहले हमने जब डिस्पोजल अकाउंट बनाया तो बेटा हमें जस्ट दो एंट्रीज करनी पड़ी, कौन कौन से, एक कैश की और एक एसेट की डब्ल्यू डी की। लेकिन आज एक नई बात की हुई है कि अगर एसेट अकाउंट
अलग और एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन अकाउंट अलग, इट मींस एसेट अकाउंट कॉस्ट पे होगा, तो फिर हमें डिस्पोजल अकाउंट बनाते हुए तीन एंट्रीज करनी पड़ेगी। पहली एंट्री सेम रहेगी, देखें वो देखें और ये देखें, कैश वाली एंट्री में कोई इशू नहीं। सेकेंड एंट्री कंसंट्रेट फुल, सेकेंड एंट्री के हेड्स में कोई चेंज नहीं है, वहां देखें डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट, मशीनरी क्रेडिट, यहाँ भी सेम है, लेकिन अमाउंट में फर्क है, वहां किस अमाउंट से कर रहे हैं आप और यहाँ कॉस्ट। इट मीन्स जब हम क्वेश्चन कर रहे हुआ करेंगे तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये सेपरेट लेजर वाला क्वेश्चन है या WDV पे ये लेजर बनने वाला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंगली फिर ये एंट्री चेंज होगी। लेकिन अगर आप ये सेकेंड एंट्री कॉस्ट पे करेंगे तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नेट ऑफ करना पड़ेगा डिस्पोजल अकाउंट में ताकि कॉस्ट WDV पे कन्वर्ट। एक थर्ड एंट्री जो वहां कभी नहीं होनी, कहाँ कभी नहीं होनी, जब एसेट अकाउंट WDV पे है, लेकिन जब एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो थर्ड एंट्री हमें करनी पड़ा करेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट इसलिए ताकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर अपने लेजर में से निकल के डिस्पोजल अकाउंट में आ जाए। अब एक मिनट में जरा ये सारी एंट्रीज बाकी रिस्पेक्टिव लेजर्स में भी पोस्ट कर दूँ, आप आज अंदर अपने नए पेज पे जहाँ पे आप एंट्रीज लिख रहे थे। तो एक मिनट लेट मी फिनिश जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पहली एंट्री देखें क्या है, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, तो यकीनन कैश के लेजर में ये 650,000 डेबिट साइड पे भी होना चाहिए और ऐसे और डिस्पोजल अकाउंट में 650 आ गया। सेकेंड एंट्री बोले डिस्पोजल अकाउंट में 8 लाख डेबिट कर दिया हमने, लेकिन मशीनरी अकाउंट में जाए आप भी जाए मेरे साथ, बल्कि मैंने कर दिया आप भी करें मेरे साथ, 1 जनवरी साल के शुरू में जब ये काम हुआ तो 1 जनवरी 2022 डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट एट कॉस्ट। तो किस किस लेजर में ये इफेक्ट गया, डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे और मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। अब लास्ट थर्ड एंट्री देखें अपने पास, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट मींस अब किस लेजर में जाए, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट डेबिट साइड पे लिखेंगे, रेफरेंस क्या आएगा, डेट क्या आएगी, वही जिस डेट पे डिस्पोजल हुई है, इनकी डेट सेम रहेंगी 1 जनवरी 2022। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट डन और सेकंड इफेक्ट कहाँ चला गया, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अपना पास डिस्पोजल अकाउंट भी जरा फाइनल करें अगर अभी तक नहीं बताया। और डिस्पोजल अकाउंट बनाते हुए भी रेफरेंसेस देख के डबल एंट्री फाइनल करें। बस वो हो जाए जी, फाइनली बेटा जरा डिस्पोजल अकाउंट बैलेंस करके दिखाएं। यहाँ डेट्स की जरूरत नहीं, एसेट अकाउंट्स और वहां बस लिखा जी, डेबिट साइड ज्यादा है, ध्यान से क्रेडिट साइड पे बनता है 770 नहीं, क्रेडिट साइड का टोटल क्या बनता है 730, तो 8 लाख डेबिट साइड पे है, ऑपोजिट साइड पे भी वही 8 लाख होना चाहिए, डिफरेंस कितना है, किस तरफ है, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस क्या रिफ्लेक्ट का है, लॉस ऑन डिस्पोजल, तो लॉस ऑन डिस्पोजल कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। यस सर, मुश्किल से सोच रहे, गेन ऑन डिस्पोजल कहाँ जाएगा, अदर इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम कहाँ होती है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक हेड होगा गेन ऑन डिस्पोजल, ये बिजनेस की नॉर्मल इनकम नहीं है, ये मशीनें हमने इसलिए नहीं खरीदी थी कि हम बेचें, तो हमारी जो बिजनेस की मेन इनकम वो सेल के नाम से आएगी, और कोई भी और इनकम हो तो वो अदर इनकम के तौर पे आएगी, तो अगर गेन होता है तो अदर इनकम, और अगर लॉस ऑन डिस्पोजल है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हिस्सा बनेगा। क्या ख्याल है,
ये कैंडी प्रॉफिट लॉस वगैरह लिखने की भी आदत डाले साथ। गेन आए लॉस आए, ये बैलेंस फाइनली कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में गेन आए तो कहाँ जाएगा? मेरा ख्याल है कल लिखा था आपने, जरा ढूंढने, डिस्पोजल अकाउंट में लिखा था कल, डिस्पोजल अकाउंट के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था सर। डिस्पोजल अकाउंट में जो गेन आया था एंड में, गेन ऑन डिस्पोजल अदर इनकम वगैरह बट लिखे ना, तो अदर इनकम में, और अगर लॉस आया तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये वैसे चीजें याद आ जाती है मेरे बताने से, गेन अदर इनकम, कहाँ अदर इनकम? वही अदर इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी वही उसके नीचे, एक्सपेंसेस में ऐड होगी फिगर या लेस होगी? लॉस की अगर फिगर है एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगी, प्रॉफिट से लेस होगी, एक्सपेंसेस में जमा हो जाएगी। कोई सैलरी एक्सपेंस है, कोई कमीशन एक्सपेंस है, कोई यूटिलिटी बिल्स है, उसमें ये भी एक्सपेंस के तौर पर प्लस हो जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस पे प्रॉफिट में से लेस होके फिर आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, एक नजर कैंडी इंडिविजुअली रिवाइज कर तो देखो, अगर मसला है तो बताओ, रिवाइज किया करें कैंडी। ये बड़ा कौन सा लेजर लिखा, अगर किसी ने लेजर वगैरह के ऊपर रह गया कैंडी प्लीज खामोशी है, कंप्लीट साइलेंस, खामोशी से इंडिविजुअली देखें, दोबारा एंट्रीज देखें, देख के बोलने चले और कुछ नहीं हो। मीनवाइज एक दो मिनट बच्चे अगर कोई लिखना चाह रहे हैं बड़ा बता दीजिएगा, ये वाले लेजर्स जिन्होंने लिखने कंप्लीट करें तो अगर आगे, बल्कि मशीनरी अकाउंट्स वगैरह को बैलेंस करें, इनके फाइनल सीडीज क्या होने चाहिए, इनके बैलेंसेस जीरो हो जाएंगे तो चेक करें, करने करें जीरो। क्रेडिट डाउन खत्म हो जाएंगे सर, वजह एसेट खत्म हो गए, एसेट हमारी बुक्स में अपनी रहा। जी कोई साहब अगर नोट कर रहे हैं तो बता दो, मतलब ठीक है। अगर लिख रहे हैं तो बेटा फाइनली उधर ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दीजिएगा आगे तरफ। चलिए सर, जब ये हमने डिस्पोजल अकाउंट की एंट्रीज पढ़ी हैं, इनको जरा एक समराइज फॉर्म में अपने पास लिखना है, समरी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल। इसमें दो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, तो मैंने अभी एक पॉसिबिलिटी आपके सामने डिस्कस की है। तो नंबर वन करके इस तरह से लिखना, पहले हेडिंग लिखना, समरी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट, ऑफ एन एसेट, और उसमें नंबर वन इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड। इंशाल्लाह अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो अगर हमारे क्वेश्चन में लेजर्स रिक्वायर्ड हुए तो अभी हमने उसी के एंगल से बातें की हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट बनाए, क्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन अकाउंट बनाए, डिस्पोजल अकाउंट बनाए, लेजर्स अगर रिक्वायर्ड हो तो फिर हम क्या करेंगे, एंट्रीज करते हुए डिस्पोजल अकाउंट का वर्ड यूज करेंगे, और फिर उसमें दो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। एक मिनट बस यहाँ तक रुकें, जरा देखें मैं क्या कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड पर एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी, इफ नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन, फिर दो एंट्रीज होंगी जो कल हमने डिस्कस की हैं, और इफ सेपरेट लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन तो फिर वो तीन एंट्रीज होंगी जो आज हमने डिस्कस की हैं। तो ये पेज के दरमियान एक लाइन लगाना और लेफ्ट राइट साइड पे इसका हेडिंग्स बनाना, इकट्ठे हो जाना तो फिर आपसे पूछ एंट्रीज लिखता हूँ।
लेडजर सर, ई आर। ये मैंने जो आपके सामने एक लेजर बनाया, इसकी कितनी साइड है? सा ये सवाल मेरे से ना हो जाता, दो आ गए इधर से भी, दो आ गए भाई जान। ये किस चीज का लेजर है? पेज के लेफ्ट और राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। मैंने तो कहा था लेफ्ट राइट बोला नहीं करेंगे, लेकिन अगर लेजर हो तो इस साइड, इस साइड पे दो एंट्रीज लिखे। कौन सी एंट्री सर? कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट। तो सबसे पहले एंट्री एग्जाम में करेंगे कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट, फिर देन दूसरी एक एंट्री लिखा करेंगे डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। बोल बोल के कैसे डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट एसेट अकाउंट। मशीनरी लिख रहे फिलहाल, बट बाद में यूज डिफरेंट कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर मेरा ठीक होंगे एसेट लिख रहे हैं मशीन, लेकिन किस अमाउंट से, किस दिन की WDB से? ये पूरे वर्ड्स कैंड लिखना है एट WDB ऑन द डेट ऑफ डिसंबर, एट WDB ऑन द डेट ऑफ डिसंबर। ये लिख तो चुके लेकिन फाइन है, आप समराइज फॉर्म में इकट्ठा करके लिखवाना चाह रहा हूँ, कभी भी अगर हमें जरूरत पड़े तो हम फिर इस पेज को रेफर किया करेंगे और याद किया करने की कोशिश किया करेंगे कि क्या क्या एंट्रीज होंगे। तो बस ये दो एंट्रीज है, इन दो एंट्रीज से लेजर डिस्पोजल अकाउंट का बैलेंस कर लिया करेंगे। क्रेडिट बैलेंस रिफ्लेक्ट्स गेन एंड डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट्स लॉस ऑन डिस्पोजल। राइट साइड पे आ जाए, फर्स्ट एंट्री रिमेन्स है कैश अकाउंट डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री उस अमाउंट से हुआ करेगी जितना मैं कैश रिसीव हुआ, फिर सेकेंड एंट्री के वर्ड सेम है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हेड सेम रहेंगे एज कंपेयर विद लेफ्ट साइड एंट्रीज, लेकिन अब ये एंट्री किस अमाउंट से किया करेंगे, किस दिन की कॉस्ट से? कॉस्ट उसी दिन की होती है जिस दिन खरीदा हो, ये कोई नहीं कॉस्ट डिस्पोजल वाले दिन की। कॉस्ट कब होती है? जब खरीदा हो, तो वो एज इट इज रहेगी। दैट कॉस्ट विच इज ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल वाली कोई बात नहीं, एट कॉस्ट जिस दिन वो खरीदा था, ठीक है। लेकिन फाइनली एक थर्ड एंट्री राइट साइड वाली सिचुएशन में हुआ करेगी, सेपरेट लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन। ढूंढे ढूंढे सोचे बोला एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। और ये एंट्री किस अमाउंट से करा, किस दिन की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन से करेंगे? ये भी मेरा ख्याल है ये पूरे वर्ड जरा याद रखे, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल ढूंढना चाहिए। ये एग्जैक्टली पूरा दोबारा लिखे, कब से कब तक की क्यूमुलेटेड, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। इसके अगेंस्ट लेफ्ट साइड पे कोई एंट्री नहीं है, एक मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये एंट्री सिर्फ किस साइड पे है? इफ सेपरेट लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन।
पेज नंबर 60 ढूंढना था। ये एंट्रीज बड़ा लिख ले तो कहानी बताइएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। ये ठीक है मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है। अगर लिख रहे हैं तो कहानी बता भी दीजिएगा। ये बड़ा वो बात ठीक है इंशाल्लाह, मैं आई विल ट्राई कि आज ये मसला हल हो जाएगा। आज मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वाला अपनी प्रॉब्लम आप लोगों का रिजॉल्व हो जाएगा। ये जो बुक का अभी तक नहीं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आज ये मसला हल हो जाए। ये बड़ा अपने पेज नंबर 60 के एंड में जरा क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढना, मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट मिल गया। पेज 60 के एंड जी सर, ये एक मिनट अपने नेक्स्ट पेज पे। ये भाग साहब वो कंडी बड़ा बाद में नोट कीजिएगा प्लीज, वो बाद में नोट कीजिएगा, छोड़ दे सब कुछ। एक मिनट सर, नेक्स्ट पेज पे आप किसकी रिक्वायरमेंट ढूंढ रहे हैं? पेज नंबर 61 के स्टार्ट तकरीबन स्टार्ट से थोड़ा सा, फिर पे 2015 अंडरलाइन करें पेन आपको पकड़। मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, परेशान नहीं होना लफ्जों से। इस रिक्वायरमेंट के अगली लाइन नीचे एक छोटा सा एक नोट बना होगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट किसे कहते हैं, जरा नोट पढ़ें। एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट ही का एक पुराना नाम है, लेकिन एग्जामिनर कभी कभी यूज कर लेता है, इसकी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मीन्स उसे अगर मैं कभी आपके सामने बोलूँ एंट्री डिप्रिसिएशन डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट, तो इससे मेरी मुराद क्या होगी? हम वैसे वर्ड्स मेरा ख्याल बदलेंगे नहीं, हम एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन वर्ड बोल तो लेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें पता बस होना चाहिए कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन सिंपली मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो हम एक्युमुलेटेड बोल लेंगे यहाँ भी, लेकिन अगर कभी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वर्ड मिला तो सिंपली इट मीन्स कि एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन की बात हो रही है, ठीक है, नथिंग एल्स। वापस आ रहे हैं मशीनरी अकाउंट, इसका मतलब फिर कॉस्ट पे बनना है या डब्ल्यूडीबी पे? अगर एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन का लेजर अलग है कॉस्ट पे बनेगा, आगे चले फिर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, सारी वर्किंग शो करनी है, वो कहे या ना कहे वर्किंग एग्जामिनर को दिखानी ही दिखानी है। आखिरी लाइन, डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन टाइम बेसिस, ये ना भी लिखा होता और डेट्स अवेलेबल होती हैं तो टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए, बारह लिखा हुआ है। अब आ जाए पिछले पेज पर, द मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट फॉर द थ्री ईयर्स एंडेड 31 दिसंबर 2014। एक सेकेंड के लिए कैंडिडेट और दोबारा नेक्स्ट पेज पे जाए। रिक्वायरमेंट में कौन सा साल है? 15, तो हमने 15 के एंगल से वर्किंग करनी है। वापस आए फर्स्ट टाइम दोबारा देखें, 3 सालों का ये मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे बनाया हुआ है, जरा लेजर पढ़ना शुरू करें। मशीनरी का लेजर है, 2012 का ब्रॉड डाउन बताए, जाने दें यार, जाने दें जाने दें जाने दें ना, 12 का कोई ब्रॉड डाउन नहीं है, मीन्स शायद फर्स्ट ईयर या फर्स्ट ईयर है, या कह लें मशीनरी पहली दफा खरीदी। तो 1 जनवरी 2012 पे लिखा हुआ टू कैश मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, तो ये मशीनरी नंबर 1 समझ लें खरीदी है, कितने की? वही सीडी बना हुआ, तो क्योंकि ये कॉस्ट पे लेजर है इसलिए इसकी डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं होगी, उसके लिए अलग लेजर होगा। तो फर्स्ट ईयर बस एक मशीनरी थी, यही 50, पर नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बना, कोई सरप्राइजिंग न्यूज तो नहीं है, शायद उसी तरह शाम भी बनाते हैं रोज। फिर 1 जुलाई 2013 डेट्स बहुत ध्यान से पढ़े, सेकंड नंबर मशीन खरीदी गई, फिर टोटल मशीनें 2 हो गई, कॉस्टिंग 70,000, फिर ये 70 ब्रॉड डाउन बना, फिर मशीन नंबर 3 आ गई। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, किस दिन आ गई? 1 जुलाई 2014 को आ गई। कितने की मशीन आई? 3 मशीनें कितनी टोटल हो गई?
85,000 टोटल हो गया। रिक्वायरमेंट पे दोबारा नजर दौड़ाएं, 2015 की वर्किंग करनी है हमने, इस डेट से ये 15 शुरू होगा, किस डेट से शुरू होगा, 1 जनवरी 15, ईयर किस दिन एंड होते महसूस हो रहे हैं, 31 दिसंबर पे ईयर एंड आ रहे हैं, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 14 का बैलेंस बोले कितना है, 85,000। क्या ये हमारे एंगल से ब्रॉड डाउन हो जाएगा? अगली लाइन में आ जाए, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% डिमिनिशिंग वाली बेसिस कल वर्ड आया था, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एक दफा फिर लिख लें और याद रखना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वॉज एक्यूमुलेटेड इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन 1st अक्टूबर 15। हमारे वाले साल में 1st अक्टूबर वाले दिन मशीन नंबर 2 ढूंढे कहाँ, कितने की ली थी, 20,000 की, 1st जुलाई 13 पे जो ली थी, 1st अक्टूबर 15 दोबारा जो वापस, मशीन नंबर 2 वॉज डैमेज एंड हैड टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू मशीन कॉस्टिंग 25,000। The machine was insured and the insurance claim of 12,400 was received. एक होता है भाई एसेट को बेच देना किसी विलिंग बायर को, लेकिन अगर इंश्योर्ड मशीन है तो अब ये मशीनरी किससे, इस मशीनरी के डैमेज के बाद पैसे किससे मिल जाएंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे रिसीव होंगे वो कितने हैं, 12,400। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी से भी ये पैसे मिल जाए तो हम सिंपली यही कैलकुलेट करेंगे कि ये पैसे मिलने से हमें कोई नेट गेन हो गया या लॉस हो गया, मशीन डैमेज हुई है, लेकिन क्या इंश्योरेंस क्लेम के पैसे मिलने से कोई नेट करके गेन या लॉस फिर कैलकुलेट हो सकता है सर? तो इस केस में भी क्या करेंगे, लिखें ब्रैकेट में, इसकी डिस्पोजल रिकॉर्ड होगी, तो डिस्पोजल एक सेल करके भी हो सकती है और समटाइम्स डैमेज होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलने से भी हो सकती है। तो अब ये मशीन हमसे चली जाएगी और इसके अगेंस्ट पे पैसे हमें रिसीव हो जाएंगे। कौन सी मशीन, मशीन नंबर 2 की कॉस्ट कितनी थी, लेकिन क्या ये मशीन कुछ अरसा इस्तेमाल की है, कब से कब तक डेट बोलनी है आपने, ढूंढ ले ढूंढ ले ढूंढ के, 1st जुलाई 13 से लेके 31st अक्टूबर 15, 1st जुलाई 13 से लेके 1st अक्टूबर 15 को जाके ये शायद इसकी डैमेज हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली ये बनते हैं 6 मंथ्स 13 के, गिने गिने 14 का पूरा साल, और 15 में कितने मंथ्स बनते हैं, ना ना 15 में गिन ले, ना सर 8 नहीं बनते सर, ना 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 8 नहीं बनते, सितंबर एंड तक बनते हैं ना, 1st अक्टूबर है तो 9 मंथ्स हमारे वाले साल में बनते हैं। दोबारा देखना बात हो रही है, सितंबर 13 में कब खरीदा, 1st जुलाई 13 को, तो 13 में 6 मंथ्स, 14 में पूरा साल और 15 में 9 बनते हैं, 10 ना बना दी, अचानक अब अगली दफा पूछूंगा तो 11 हो जाएंगे, 1st अक्टूबर लेकर लिखा है तो उसे 9 ही रहना है, चाहे मैं 500वीं दफा भी पूछूं तो ये 9 ही है, पहले 8 था 10 तक गेम आई अचानक 11 हो गई। रिक्वायरमेंट शुरू करें सर, रिक्वायरमेंट लिखी आज बिस्मिल्लाह पढ़ो, कौन कौन सा लेजर, कंप्लीट साइलेंस, एक एक फिगर समझ के लिखने वाली है, मशीनरी अकाउंट और एक एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आमने सामने खोल रहे और स्पेस रख लें और डिस्पोजल अकाउंट इन दोनों लेजर्स के नीचे बना लेंगे, दरमियान लिखा बनाए, हमारा ये अकाउंटिंग सीखने का मकसद ये नहीं है कि एक पेज पे आमने सामने 3 लेजर आखिरकार कैसे बन सकते हैं, वो इशू नहीं, जो मिशन नहीं है उसे ना बनाए।
मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। ऊपर अगर कहीं फर्स्ट लाइन में डेट्स लिखना है कि हमारा काउंटिंग ईयर कब शुरू होना है, 1 जनवरी 15 को और फिर एंड होना 31 दिसंबर 15। तो इस साल की हमें वर्किंग करनी है, लेकिन कुछ पिछले सालों का डाटा हमें और साथ की बनना है। कंसंट्रेशन लैब्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्वेश्चंस की बौछार आप पे होनी है और आपने प्लीज कोशिश मुसलसल करते रहना। जी सर, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट। फिफ्टीन के स्टार्ट में हम खड़े हैं, 14 का क्लोजिंग बैलेंस ढूंढेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा ज़्यादा साथ साथ रहना। 85,000 लास्ट ईयर का सीडी, नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बेटा लिख दो। देखे इस लेजर में किस साइड पर, क्या ये मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे है? देन सर जी एक इंपॉर्टेंट सीन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन होना चाहिए। नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट, मैंने एक सवाल अजीब सा ड्राफ्ट किया। मैंने कहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? कसौरा देखें, कसौरा देखें, ये फर्स्ट ईयर तो है नहीं, 3 साल गुजर चुके हैं। तो पिछले सालों में ये जो मशीन यूज हुई है, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3, क्या इनकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ 31 दिसंबर 14 हमारे लिए ब्रॉड डाउन बनेगी एज ऑन 1 जनवरी 15? 31 दिसंबर 14 का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हमारे लिए ब्रॉड डाउन बन रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? वो गिवन नहीं है। क्या वो फाइंड आउट हो सकता है? क्या वो फाइंड आउट हो सकता है? तो हमें फाइंड आउट क्यों करना है? क्योंकि वही हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस अवेलेबल अगर नहीं है तो वर्किंग नंबर 1 यहीं से शुरू करें। W1 मीन्स वर्किंग 1। अभी ये वर्किंग वन शुरू करते हैं, लेकिन एक डिसीजन थोड़ा सा और ले लेंगे। डिस्पोजल अकाउंट देखें, डिस्पोजल अकाउंट में कैलकुलेट क्या होता है, या गेन या लॉस, और गेन हो या लॉस हो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाता है। तो क्या डिस्पोजल अकाउंट में भी ब्रॉड डाउन होता है? नहीं या होता नहीं, इसको जरा क्लियर करना। ब्रॉड डाउन किन 2 लेजर्स में नहीं होते, किन 2 तरह के लेजर्स में? इनकम और एक्सपेंसेस जिन्होंने प्रॉफिट लॉस में जाना वो फॉर द ईयर कैलकुलेट होता है, तो डिस्पोजल अकाउंट के एंड में गेन या लॉस ने फाइनल होना है, जो ईयर वाइज कैलकुलेट होगा। मसलन कैसे, अगर हम 2014 में है तो 2014 का गेन या लॉस, 2015 में है तो पिछले गेन लॉस इकट्ठे करके, नहीं फिर क्या सोचना चाहिए कि 15 में कितना गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो इस गेन ने और इसके लॉस ने, डिस्पोजल अकाउंट ने के गेन या लॉस ने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, देयरफॉर ये ईयर वाइज अलहदा अलहदा बनेगा। ब्रॉड डाउन सिर्फ कहाँ होते हैं? बैलेंस शीट आइटम्स के। बैलेंस शीट आइटम्स कौन कौन सी हैं? एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। तो प्लीज मेरा ख्याल एक सेंटेंस डिस्पोजल अकाउंट के नीचे कहीं लिखो, या साथ लिखना कहीं, होता ही नहीं है, नहीं होता ही नहीं, नो ब्रॉड डाउन बैलेंसेस। जिस तरह डेप्रिसिएशन एक दफा वर्ड आया था, डेप्रिसिएशन क्या चीज है? एक्सपेंस फॉर द ईयर हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वो ईयर वाइज सही फिगर नहीं आएगी। ओके याद रहेगा या फर्दर कंफ्यूजन है? ऑनलाइन ब्रॉड डाउन के एंगल से बस फिर कौन सी फिगर आएगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हाँ उसकी वर्किंग करो, साफ सुथरी वर्किंग। Accumulated appreciation as on
ये ना करें, प्लीज ये ना करें। 31 दिसंबर 2014, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 दिसंबर 2014। मेरी डेट देख लें, मैंने डेट सही लिखी है? हम तो 1 जनवरी 15 की वर्किंग नहीं करना चाह रहे, तो किस डेट का क्लोजिंग हमारे लिए किस डेट पे ओपनिंग बन जाएगा? 31 दिसंबर 14 का क्लोजिंग ही हमारे लिए ओपनिंग होगा। देन सर जी, अब इसकी वर्किंग कर लेते हैं। अब डेफिनेटली ये इनिशियल क्वेश्चन अभी हो रहे हैं, फर्स्ट कुछ क्वेश्चन मेरे साथ करें जिस तरह कैसे मैं कर रहा हूँ। बाद में जब आप बड़े हो जाएंगे तो वर्किंग का पैटर्न डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त इस तरह करते हैं जरा। मशीन वाइज वर्किंग है, अपने पास क्वेश्चन का पेज रखना जरा। कितनी मशीन है पिछले सालों में, तो जरा इस तरह टेबल बना रहा हूँ, एक मिनट देख लें, मैं पहले कॉलम बना दूँ ताकि आपको अकॉर्डिंगली स्पेस का फिर बाद में मसला हो। सबसे पहले मशीन नंबर लिख लेंगे, लेट मी फिनिश 5-7 कॉलम है, सारी फिगर्स आपके सामने आ रहे हैं। मशीन नंबर, फिर उसकी कॉस्ट लिख लेंगे, डेट ऑफ परचेज की जरूरत है क्योंकि टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन है। टाइम बेसिस का पता है सवाल में? 2012 से ये गेम शुरू हो रही है, तो 2012 की डेप्रिसिएशन सामने आ जाएगी। 3 कॉलम बना लेते हैं, 12, 13, 14 और फिर फाइनली टोटल का बना बना ले। अब देखने कितनी जगह चाहिए, मतलब इस तरह से टेबल बना लिया। ठीक है, मशीन नंबर 1, 2, 3, उनकी कॉस्ट, उनकी परचेज डेट्स, डेप्रिसिएशन, इन 12, 13, 14 के ऊपर एक हेडिंग बना लें, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ 12, 13, 14, और इनको फिर सम कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एक्युमुलेटेड आ जाएगी। आप काफी दिनों बाद नजर आए, अरे कवर किया हूँ किस पिछली से, मौसम सर चेंज हो गया। हाफ से माशाल्लाह ठीक है, बॉडी बिल्डर सारे लोग हैं, लेकिन अभी मौसम में हवा ना लगवा लीजिएगा, एसी बंद करा दें, बंद करवाना ये अगर वहां से तो हिम्मत कीजिएगा। बुक साइड में करके मुस्कुराए सर, बुक का एक नया मकसद बना लिया आपने। ये जो नहीं चल रहे वो थोड़ी देर चला दो, जो चल रहे हैं वो बंद करके ना थोड़ी देर से। अरे क्या हो गया सर, इन हेडिंग्स में कौन सी हंसने वाली बात आ गई? पहले सर वर्किंग जी सर, ये क्वेश्चन का डाटा रखने सामने, मशीन 1 की कॉस्ट पता है? मशीन 1 की कॉस्ट 50,000, परचेज डेट 1 जनवरी 12। इस तरह के नहीं, पहले 3 कॉलम कंप्लीट करने सर, 1 जनवरी 12, मशीन नंबर 2 20,000 उसकी कॉस्ट आ गई और परचेज डेट बताया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमें साथ साथ रहना है, जुलाई 13, 1 जनवरी 12 था फिर 1 जुलाई 13। मशीन नंबर 3 15,000 कॉस्ट है और 1 जुलाई 14। तो पहले ये डाटा जरा कंप्लीट कर, फिगर्स अगर सामने होंगे तो वर्किंग इंशाल्लाह इशू नहीं। 1 जुलाई 14, बेटा नोट कर लिए? हाँ बेटा कैलकुलेटर पढ़े,
एक पहले करवाना है आपने, मशीन वन करवा दें, टू और थ्री खुद कीजिएगा। एक मिनट जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं? जी सर, जब डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करनी है तो पहले मेथड ढूंढ लें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट चाहिए होता है, रेट तो है ही नहीं यार। और रेट अगर दिया हो तो काट के अपने कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, यूज करते हैं। 20% वाला रेट है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, टाइम बेसिस पॉलिसी। तो और मशीन वन जरा करवा देनी है आपको। ठहरिए सर जी, ठहरिए एक मिनट, जहाँ से मैं इतनी मुश्किल से बिगड़ सोच के हूँ, प्लीज गिव मी चांस। अच्छा सर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर है भी तो फर्स्ट ही रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होना है और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स डब्ल्यूडीए से। तो कुछ वर्किंग शायद हम कैलकुलेटर पे कर लेंगे, क्योंकि सारी वर्किंग शायद लिखने में टाइम भी वेस्ट होगा और शायद इतनी स्पेस भी नहीं होगी। तो यकीनन वर्किंग शो तो करनी है, लेकिन जो चीजें रेडी नहीं कैलकुलेटर पे सॉल्व हो सकती हैं वो कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कैसे करेंगे। कैलकुलेटर पे 50,000 लिखें, साथ वाले को लिखते हुए गौर से देखें। फर्स्ट ईयर है 2012, इसका स्टार्टिंग डेट परचेज डेट भी 1 जनवरी 12 है, तो क्या 12 वाले साल में पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी? 50,000 × 20% आंसर क्या है? पूरा 10,000 एज इट इज क्यों लिख रहे हैं? टाइम बेसिस का पूरा साल। ओके देन दोबारा कैलकुलेटर उठा लें। अब सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स फिर रेट डब्ल्यूडीबी से मल्टीप्लाई होगा, तो डब्ल्यूडीबी मींस 50,000 माइनस 10,000 40,000 हो गया और मल्टीप्लाइड बाय 20% आंसर आ गया 8,000। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की भरपूर पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है। ये 8,000 कैसे आया? आप लोग अगला करें, मैं बच्चों को बता दूं। 50,000 को अगर वर्किंग एक आप लिखनी है तो लिख लीजिएगा। ये बड़ा प्लीज क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? 2013 8,000 और 14 में आप कैसे करेंगे? 50,000 माइनस 10,000 ठीक है, माइनस 8,000 ओके, टोटल करके आप माइनस कर दें या इंडिविजुअल फिगर्स को माइनस करने ड्यूटी भी बनानी है, लेकिन माइनस 18 होना है तो × 10 तो 20% तो 6,400 कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चलनी है, माइनस 18,000 ठीक है, लेकिन 18 बना कैसे? 10,000 एंड 8,000 प्लस करके। कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहनी चाहिए। मेरे सामने जो हजरात बैठे हैं, इट इज अज्यूम के वो वर्किंग कर रहे हैं, क्या ये अजम्पशन गलत तो नहीं है? क्या ये अजम्पशन कहीं खुदा ना खासा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की मेरी तरफ से खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही? क्या ये एंटिसिपेटेड लॉस में तो कन्वर्ट नहीं हो रही गेम? टोटल करवा दें 10,000 + 8,000 + 6,400 24,400 फ्रॉम द परचेज डेट अप टू 31 December 14 पिछले 3 सालों। एनी कंफ्यूजन दिस फिगर? एनी क्वेश्चन एनीवेयर? सर जी सर, नीचे जो बैठे हुए राज सर पूछ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन इंडिविजुअली है तो सर वो मैंने कोई बैठा। धर्मांधर कहीं भी काइंडली इस रूम में भी ये जरा तला जरा देख लेना यार, किसी बच्चे को मसला ना आ रहा हो। ये जी मशीन नंबर टू, मशीन नंबर टू बोर्ड पे देखें, एक करवा दें आप, इसमें मिस्टेक कर देनी आपने। मशीन नंबर टू, एक मिनट, मशीन नंबर टू सर मौका दो, खरीदी कब है? 1 जुलाई 13 तो ऑब्वियसली बोला 13 से पहले की डेप्रिसिएशन तो हम चार्ज नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करेंगे? एसेट आने के बाद, तो ठीक है डैश हो जाएगा, डैश डैश आगे बढ़े। 20,000 कैलकुलेटर पे लिखे, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट ईयर रेट है 20%, तो 20,000 × 20%, लेकिन प्लीज डेट्स गिने। 1 जुलाई है, 31 दिसंबर ईयर एंड है, पूरे साल की या 6 मंथ्स की? अरे ऐसा मजा ही यार, आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, आप साथ वाले से बहस में लगे हैं, उधर देख के मुस्कुरा रहे हैं, उधर देख के की कर रहे हैं, साथ वाली कैलकुलेशन देखी जा रही है। प्लीज 20,000
डिवाइड बाय 20%, 6/12 कैसे किया मैंने, कहां से कहां तक, जुलाई से दिसंबर, आंसर आया 2014 की वर्किंग करें, कैसे करेंगे 20,000 माइनस 2,000 मल्टीप्लाई बाय 20% इज इक्वल टू 3,600 टोटल एक्युमुलेटेड 5,600। मशीन नंबर 3 खामोशी से खुद से करें, अगर कोई इशू है प्लीज मुझे हुक्म करें, साथ वाले को प्लीज ना तंग करें। प्लीज कैलकुलेटर तो निकाल लें यार। और सर जी कैलकुलेटर पे आया 3600 यार, पैसा 20,000 मेरा भाई लिख फैसल, कैलकुलेटर मेरा भाई फैसल 20,000 लिखो, माइनस टू थाउजेंड इज इक्वल टू 18,000 हो गया मल्टीपल 20%, जी फैसल 3600 आ गया फैसल, प्लीज यार फैसल। और बेटा होल ईयर इसने लिया है मेरे भाई, टाइम बेसिस पे 6 मंथ यूज हुआ है, सिक्स मंथ्स बेटा प्लीज, 6 मंथ्स फर्स्ट जुलाई पैसे लिए है। आप लोग मशीन नंबर थ्री फाइनल करें सर, जी पहली दो मशीन फाइनल है बेटा प्लीज, मशीन 1, 2 एक मिनट, मशीन नंबर 3 जो है इसका बेटा हमने परचेज किया 1 जुलाई 14 पे, तो किन किन सालों में डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली नहीं आएगी, 12 और 13 में, और 14 में कैलकुलेटर पकड़े प्लीज जिन्होंने अभी तक नहीं किया, 15,000 लिखें, 20% करें, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 6/12 क्यों करें, टाइम बेस पे अकॉर्डिंग अपने मंथ्स गिनने, जो लोग चाहे वर्किंग्स में लिख रहा हूं आप लोगों के लिख रहा हूं, अगर नोट करना चाहे तो प्लीज करना, बहरहाल कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। तो यही इस मशीन नंबर 3 की टोटल डेप्रिसिएशन भी है, फाइनली इसका करें। मैं एक छोटी सी और बात आपके रिवाइज कर देता हूँ, ईयर वाइज भी डेप्रिसिएशन का सम करेगा इन 12, 13, 14 और टोटल इन कॉलम्स के जरा सम करें सबके, ठीक है, मतलब मैंने कहा रिस्पेक्टिव ईयर्स के भी कर लो, मीन्स उसे 12 का टोटल 10,000 और नेक्स्ट वन बन जाएगा 11,500, टोटल हो जाएगा 31,500, फर्स्ट टू ईयर्स का 10,000 बन जाएगा, 14 का बन जाएगा 11,500, प्लीज सॉल्व करके देखें, और फाइनली 31,500 इज टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग, जब हमसे रिलेटेड फाइनली फिगर कौन सी है सर, 31,500 को जरा हाईलाइट कर लें, ये हमारी फाइनल फिगर है जिसके लिए हमने ये वर्किंग की है। लेकिन आप इस तरह करें कि जरा इन फिगर्स को जो मैंने ईयर वाइज आपके सामने सॉल्व किए हैं, जरा अपने जहन में एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना के जरा रिवाइज करें, जिस तरह आपके पास पर्सन देखें, जरा जिस तरह मशीनरी अकाउंट बना पिछले 3 सालों का, इस तरह जरा जहन में पिछले 3 सालों का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बना सकते हैं क्या, सबको नजर आना शुरू हो गया कि आपके जहन में एक टी बन गई है, उसके ऊपर क्या लिखा नजर आ रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, 12 में ब्रॉड डाउन क्या होगा, 0, 12 का ब्रॉड डाउन 0, एसेट्स ही नहीं थे, 12 की डेप्रिसिएशन ढूंढ के एंट्री बोला, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,000 और वही 10,000 फर्स्ट ईयर के एंड पे सीडी बन जाएगा, फिर वो 10,000 नेक्स्ट ईयर बीडी बनेगा, फर्दर 10 ऐड होके 20 सीडी हो जाएगा, 20 2014 के स्टार्ट पे बीडी बनेगा, फिर फर्दर ऐड हो जाएगा
और फाइनली 31st नंबर 14 का सीडी 31,500 होगा, जो हमारे लिए पीरियड के स्टार्ट पे ब्रॉड डाउन बन जाएगा। सबको नजर आया? कहाँ नजर आया? वहीं जहां होना चाहिए। लिखे पीछे तो जब तक सर जी अब जहन में ये बातें नहीं आएंगी, बेजहन में नहीं चलेगा जी ये काम, बात आगे नहीं सही बढ़ पाएगी। एनी कंफ्यूजन फाइनली? तो अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि आफ्टर दिस वर्किंग 2015 अब एक्चुअली स्टार्ट हो गया है। आ जाए क्वेश्चन की तरफ। जी ढूंढे जी 15 में क्या हुआ? हाँ जी दो काम हुए अलग अलग अगर देख लें तो, मशीन नंबर 2 डैमेज हुई जिसका भी एक इंश्योरेंस क्लेम की स्टोरी है, और उसी के सामने फिर एक लिखा हुआ नई मशीन भी ली है, पुरानी की जगह पे नई मशीन भी ली है, पुरानी के अगेंस्ट क्लेम मिल गया डैमेज होने के बाद, तो उसकी जगह पे नई मशीन ली है। तो सबसे पहले ये करवा देंगे नई मशीन की एंट्री, मशीनरी डैमेज कैश क्रेडिट 25,000 ढूंढना, 25,000 मशीन कॉस्टिंग, और डेट इसकी लिखो 1st अक्टूबर 15। जी एक मिनट, 1st अक्टूबर 15। एंड फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चंस कॉन्टेक्स्ट इसे मशीन नंबर 400 मिल लेते हैं। पहले तीन हो थी पुरानी, एक नई मशीन अब आ गई। जी सर अब आइएगा जो कल से डिस्पोजल की बहस हुई थी उसको एक बार फिर क्वेश्चन में रिवाइज करें। आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक समराइज फॉर्म में पेज बनाया, एक मिनट उस पर जाए। इस क्वेश्चन में एसेट अकाउंट अलग बन रहा और एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट अलग बन रहा और लेजर्स रिक्वायर्ड है, लेजर्स हम बना रहे हैं। आप बताएं लेफ्ट साइड की एंट्रीज रेलिवेंट है अब इस क्वेश्चन में या राइट साइड वाली एंट्रीज? राइट साइड वाली एंट्रीज रेलिवेंट है। हमने अब कैश ढूंढना है, कैश ढूंढना है, नंबर 2 कॉस्ट ढूंढनी है, और नंबर 3 एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम द परचेज डेट अप टू द डिस्पोजल डेट ढूंढनी है। तो ये तीन एंट्रीज हमारे जहन में आनी चाहिए, कैश वाली, मशीनरी की कॉस्ट वाली और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पहली एंट्री जरा बोल रहे ये सिंपल बेटा, वो इंश्योरेंस क्लेम से पैसे अगर मिले तो कैश डेबिट हो रहा है एंड नथिंग एल्स। वो किसी को बेच के मिले, इंश्योरेंस कंपनी से मिले, डिस्पोजल के अगेंस्ट मिल रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है? 1,400। आज एक क्वेश्चन की तरफ आ, फिर जब जरूरत पड़ेगी दोबारा रिवाइज कर लेंगे, पोस्टिंग करें। कैश अकाउंट डेबिट, कैश का लेजर अब रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ जो लेजर रिक्वायर्ड है उसमें लिख रहा हूँ। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 12,400। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? जी सर सेकेंड एंट्री देख लें, बेस्ट है, सबसे बेस्ट ही है, पिछला पेज देखते रहें, जहन में रिवाइज करते रहें, अप्लाई करते रहें। दूसरी एंट्री बोल रहे हैं मशीनरी क्रेडिट किस अमाउंट से, कॉस्ट से, कॉस्ट देने रखे जाए इस सवाल में आ जाए, किसकी डिस्पोजल होने लगी है? मशीनरी नंबर 2 की। मशीनरी नंबर 2 की कॉस्ट क्या है? 20,000। कॉस्ट किस दिन इंकर होती है? जब एसेट खरीदा जाता है, और कॉस्ट वही रहती है जितना अरसा गुजर गया है, उसके बाद फिर वर्ड WDV हो जाता है, कॉस्ट वही है जिसको आपने खरीदा। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट बाय हाउ मच? 20,000। आए पोस्टिंग करें, अब दोनों लेजर्स रिक्वायर्ड है, जो जो हेड बोले हमने, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट बोलते हुए, प्लीज बोलते हुए, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट में आ रहे हैं, मशीनरी अकाउंट में किस तरफ? डिस्पोजल फ्रंस आ गया, 20,000 रुपीज आ गए, और एसेट अकाउंट में डेट भी लिखना है 1st अक्टूबर 15।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन है सर, डन है सर। बेस ही रहेगा, दोबारा थर्ड एंट्री ढूंढ के पढ़े। ठीक है, हमें लेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ये अब हमें अमाउंट ढूंढनी पड़ेगी परचेज डेट से लेके क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डिस्पोजल डेट तक, तो वो अमाउंट अभी ढूंढते हैं। लेकिन एक दोबारा एंट्री बोले कैंडी एक सेकेंड ना, देखें मैं पोस्टिंग कर देता हूँ विदाउट फिगर, बाकी फिर फिगर ढूंढते हैं अभी। तो रेफरेंसेस के एंगल से देखें, सही लिख रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, फिगर डेबिट साइड पे आएगी, और रेफरेंस डिस्पोजल अकाउंट आएगा। आप भी सोच के इस तरह लिखें, रेफरेंसेस लिखने फिर अमाउंट ढूंढते हैं। और सेकंड इफेक्ट इसका, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट और रेफरेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। नहीं नहीं फिगर मेरे साथ, ऐसा नहीं, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। अगर हम इतने तेज हो गए होते तो मैंने आज आना ही नहीं था। आराम से तसल्ली से, इंशाल्लाह हम जिस दिन तेज हो जाएंगे उसके बाद मैंने आ ही नहीं करना। तो हम कब तेज हो जाएंगे, अल्लाह करे हम हो जाए। नहीं नहीं 6 महीने बहुत ज्यादा है, अब नहीं इतना टाइम बचा। नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी मैक्सिमम बस ये रहेंगे, हमें मार्च के शुरू तक होना ही होना है। तो चाहे इस तरह उस तरह करके होना पड़े, बड़ा होना ही पड़ना है। जी डियर, एंट्री की रेफरेंसिंग चाहिए, वर्किंग नंबर 2। बातें जल्दी कर लेता हूँ, क्लास का टाइम थोड़ा सा लगेगा मुझे लग रहा है, ये ना कुछ बातों का कैरी डाउन आ जाए, ब्रॉट डाउन कल हो जाना है, कल की अपनी क्यूमुलेटेड हो जानी है। खुदा ना खास्ता ये बातें क्यूमुलेट ही ना हो जाए, क्या करेंगे, क्या फायदा जिंदगी का। वर्किंग नंबर 2, कंप्लीट साइलेंस है। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट सब साथ है, जी सर जी, अब हम करना क्या चाहते हैं, मैं एक हेडिंग बना रहा हूँ, आप जरा पढ़ के बताइएगा क्या हम एग्जैक्टली यही ढूंढना चाहते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड मशीन नंबर, ये सही है मेरी हेडिंग? एग्रीड है सर, सभी एग्रीड है, लिख रहा अपनी, वो तो हम सेम रखेंगे, उसका मैं तरीका बताता हूँ, वो तो पूरी वर्किंग लिखेंगे। कब से कब तक की ये ढूंढनी है, परचेज डेट से डिस्पोजल डेट, उसको हेडिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, उसको मैं अप्लाई करके बताता हूँ कि कैसे करना। हम ढूंढने लगे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड मशीन, सॉरी डिस्पोज्ड मशीन नंबर 2। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई मोबाइल की आवाज नहीं आई, अल्लाह ना करे, मतलब ओहो लगता है ताजियत में लंबी क्लास करनी पड़नी, मतलब ताकि गम जरा निकल जाए ना। जी डियर, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, जो रब की मर्जी। एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन अब ढूंढेंगे कैसे, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट सुना, हमने बेटा परचेज डेट से लेके डिस्पोजल डेट तक वर्किंग करते हैं। इसका एक आसान सा तरीका इससे हो सकता है, देखें बोर्ड पर, आप ये बताएं इसकी कॉस्ट क्या थी जब इसे खरीदा था, डेट क्या थी, फर्स्ट जुलाई 2013, कंसंट्रेट, यकीनन बेटा हमने वर्किंग ना कुछ की नहीं है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे आगे कि हमने ये वर्किंग पहले नहीं की होगी, तो हम इसे जीरो से शुरू किया करेंगे, तो कोई मसला नहीं, अगर रिपीट हो जाए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में रिपीट नहीं करेंगे। तरीका इसका क्या है कि जिस डेट्स पे एसेट खरीदा गया है वहां से आप शुरू करें, और फिर क्या करें, मेथड और रेट देख के अब इसकी डेप्रिसिएशन काउंट करना शुरू कर दें, कैलकुलेट करना शुरू कर दें, और रुकना किस दिन आके है, जिस दिन आप डिस्पोजल होंगे, तो लेट मी कैलकुलेट, फिर आप नाम स्लिप करेंगे। What is the rate of depreciation? Method reducing है, पहला साल WDV से rate multiply होना था, लेकिन 6/12 क्यों गिन रहा हूँ, क्योंकि पहले भी गिने थे, क्यों गिने थे,
6 months में टाइम बेस पे डेप्रिसिएशन, इट मींस 31 दिसंबर 2013 वाले दिन इस मशीनरी की WDV 18,000 है गई थी। सब यहां तक ओके? 6 months जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देन उसके बाद रिड्यूसिंग वाला मेथड है तो अब रेट WDV ऑफ 18,000 से मल्टीप्लाई होगा, सही है? लेकिन 14 वाले साल में पूरा साल की डेप्रिसिएशन आ गई, दोबारा सॉल्व कर दे 600 कर ले कर ले कर ले, कुछ नहीं होगा, दोबारा वर्किंग करने में कोई इशू नहीं। नहीं, कैलकुलेटर की अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कैलकुलेटर का कोई इशू नहीं, अल्लाह ताला आपके मोबाइल्स की हिफाजत करे। नहीं मतलब कैलकुलेटर को अल्हम्दुलिल्लाह होता ही कुछ नहीं, अब जान गिना शुरू हो जाएगा जी। 3600 किस साल की डेप्रिसिएशन है? बस आज ही किस साल की है, यहां तक WDV बताया, किस दिन की? 31 दिसंबर 2014 इज इक्वल टू 14,000। बेटा वर्किंग करें क्या होगी, फिगर तो सॉल्व कर दो, फिगर सॉल्व तो की जा सकती है, या नहीं समझ आ रहा क्या करना, फिगर तो सॉल्व कर। व्हाट इज दिस 14,400, किस दिन की WDV 14 की? अब आए जो मेन चीज है, क्या फर्दर ड्यूरिंग द ईयर ये मशीन 9 months यूज होने के बाद डिस्पोज हुई है, तो क्या टाइम बेसिस पे इन 9 months की भी डेप्रिसिएशन आएगी? लेकिन अभी किस पे आएगी, 14,400 मल्टीप्लाई बाय 20% 9 आपने गिन लिए प्लीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट 9 months 2160, तो फाइनली डिस्पोजल वाले दिन WDV हमारी कितनी होगी? नहीं मैं इसकी फिगर सॉल्व कर, आप दूसरी फिगर बता रहे हो बाद में, 12240 आराम 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 से जो आप कर रहे हैं वही ठीक है। 1st अक्टूबर 15 WDV शुड बी 12240। बेटा लिख लीजिएगा, आपके लिए लिख रहा हूँ यकीन माने, इसमें बात समझ नहीं है, मैंने क्या किया, कब से स्टार्ट किया मैंने, परचेज डेट से और मेथड और रेट जेन में रख के मैं डिस्पोजल डेट तक आ गया। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि मैंने अभी WDV फाइंड आउट की है, मुझे चाहिए क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब दो तरीके हैं, ये सब कुछ आपको सही आइडिया होना चाहिए, कॉस्ट है 20, WDV है फाइनली 12240, तो WDV का फॉर्मूला क्या है, लेकिन इसी में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड आउट की जा सकती है, कैलकुलेटर यूज करें, 20,000 कॉस्ट थी और 12240 WDV है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बनी बीच में, 710। ये कब से कब तक की है, ऑब्वियसली एक और एंगल से लिखें, जीरो करें कैलकुलेटर पर, इन डेप्रिसिएशन का सम भी किया जा सकता है, 2000 प्लस 600 और प्लस 2160, तो डेप्रिसिएशन प्लस कर लें या कॉस्ट और WDV में डिफरेंस ले लें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर इंशाल्लाह कैलकुलेट हो जाया करेगी। अब आराम से तसल्ली से लिखें, प्लीज लिखें, अब तो लिखें, जी डेफिनेटली हम क्या कर सकते थे, 5600 वो ले लेते और प्लस उसमें 2160 कर लेते, तो इंशाल्लाह शॉर्टकट सब हमें पता चल गया हुआ है, इंशाल्लाह जैसे जरूरत पड़ा करेगी क्या करेंगे, लेकिन इस वक्त ज्यादा फर्स्ट टाइम वर्किंग है इसलिए मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया, अगर वो वर्किंग ना हुई होती तो हम कहाँ से शुरू करते, परचेज डेट से, और कहाँ एंड करते, डिस्पोजल डेट का, और उनका सम कर लेते डेप्रिसिएशन का या कॉस्ट और WDV का डिफरेंस ले लेते।
ये बड़ा नोटेड है प्लीज, कर ले कर ले, आराम से कर। वैसे जो लोग यहाँ तक चलते 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 पहुंच गए, और आई होप कि अगर बातें समझ आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद बात राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। लेकिन मेरे पहले वर्ड्स आपने शायद सही तरह सुने नहीं, चलते चलते यहाँ तक पहुंच गए। जी फाइनली अगर लिख लिया तो प्लीज बता दीजिएगा, जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है उन्होंने तो इतनी देर से लिखा। सर जी विदाउट कैलकुलेटर अकाउंटेंट बस ऐसे ही है। जी सर ये अमाउंट 7760 कैलकुलेट क्यों की गई है सर? सर सर मुझे बताना है कैलकुलेट क्यों की गई है, भाई को बताना शुरू कर दीजिए। 7760 का नाम क्या है? ऑफ डिस्पोजल ऑफ मशीन नंबर 2। इस अमाउंट को कैलकुलेट क्यों किया गया है? क्योंकि इसकी एक डबल एंट्री आप बता रहे थे। क्या डबल एंट्री बोल रहे थे? तो वो रेफरेंसेस हमने लिखे थे उनके सामने फिगर लिखे 7760 accumulated depreciation debit डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? सब ओके सर? अब आए सर जो क्वेश्चन के एंगल से डेटा था वो तो अब हमने कुछ लिख लिया है, तो इन लेजर्स का जरा इस एंगल से पढ़े कि इनमें कुछ रह गया है या बात खत्म हो गई है। आए इधर आप मशीनरी अकाउंट देखें, कुल मशीनरी अकाउंट में क्या क्या लिखा जा चुका? ब्रॉट डाउन, तीन मशीनें साल के शुरू में थी, एक नई मशीन और आई डेबिट हुई, एक मशीन चली गई। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर क्योंकि अलग बन रहा है तो डेप्रिसिएशन इसमें आनी नहीं। तो एसेट अकाउंट के एंगल से आप अगर सोचे हम साल के शुरू में कुछ एसेट्स हो सकते हैं, कुछ फर्दर खरीदे जा सकते हैं, कुछ डिस्पोज हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन अगर यहाँ आनी नहीं तो फाइनली बस इसमें सीडी रह गई। सोच लें आपके पास कुछ मोबाइल साल के शुरू में थे, कुछ और आ गए, कुछ बेच दिए, क्या कैलकुलेट हो सकता है इनमें कितने रह गए? ऐसे कैलकुलेटर पे तो मशीनरी अकाउंट बैलेंस कर। टोटल हो जाएगा 1 टन। सीडी हो जाएगा 90। अब अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में सोचें तो यकीनन इस सीडी में मशीन नंबर 1 है, 3 है और 4 है, 2 तो अब डिस्पोज हो गई है, 2 क्रेडिट हो गई है, 1 3 और 4 होनी चाहिए। इसमें चेक करना चाहते हैं कर लो, 1 की कॉस्ट क्या थी? 50,000 लिखें कैलकुलेटर, 1 की कॉस्ट 50,000, 2 की लिखनी नहीं लिखनी नहीं, 3 की 15,000 प्लस कर लें और 4 की इज इक्वल टू अल्हम्दुलिल्लाह 90,000। तो ये तीन मशीनें रह गई 1, 3 और 4। अब आए एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को देखें गौर से, लेजर को बताएं क्या मिसिंग लग रहा है। ब्रॉट डाउन आ गया, डिस्पोजल की एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई है, क्या बस सीडी रह गया या इस साल की डेप्रिसिएशन रह गई है? इस साल जो मशीनें इस्तेमाल हुई हैं उनकी अभी डेप्रिसिएशन मिसिंग है। किस एंट्री की बात कर रहा हूँ? किस एंट्री की बात कर रहा हूँ सर? डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इसका रेफरेंस नंबर 2 लिखे हैं, वर्किंग 2 वर्किंग 3 सॉरी। और डेट आ गई 31 दिसंबर 2015। तो ईयर एंड पे अब जितने जितने एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर
जितना जितना टाइम पीरियड इस्तेमाल हुए हैं, जो जो एसेट जितना जितना अर्सा इस्तेमाल हुए हैं, उनकी डेप्रिसिएशन की एक वर्किंग करते हैं। तो वर्किंग नंबर थ्री के लिए कैंडी सब इकट्ठे हो जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी हैं जी? इकट्ठे आप आ जाए, वर्किंग नंबर थ्री की हेडिंग बनाए। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स वर्किंग नंबर थ्री के लिए ओके स्टार्ट स्टार्ट ने जी सर क्या करना चाह रहे हैं? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड। इस वर्किंग को करने से करने के लिए जरा एक मिनट के लिए वर्किंग वन देखें। हमारे पास बेटा मशीन्स की कॉस्ट का ब्रेकअप अलग अलग भी अवेलेबल है, मशीन वन टू थ्री। प्रिंसिपल जरा डिसाइड कर लें, क्या मशीन वन पे 2015 में डेप्रिसिएशन आएगी? मशीन वन पे 15 में पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, लेकिन कॉस्ट पे नहीं, डब्ल्यूडीवी पे। कॉस्ट पे नहीं, डब्ल्यूडीवी पे। उसका चौथा साल है, तीन साल ऑलरेडी गुजर गए, तो अभी कर लेंगे उसकी वर्किंग, लेकिन पूरे साल के। मशीन नंबर टू पे 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आएगी, टाइम बेसिस है, 9 मंथ्स इस्तेमाल होने के बाद सर। सर 9 मंथ्स इस्तेमाल करने के बाद कैसे, क्या टाइम बेसिस पे 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आएगी? मशीन नंबर टू की इस साल डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। मैं कहता हूं आएगी, तो कहता नहीं आएगी। आएगी सर, कितने मंथ्स की? लेकिन आएगी। मशीन नंबर थ्री की पूरे साल की डेप्रिसिएशन भाईजान इधर आएगी, पूरे साल की डेप्रिसिएशन मशीन नंबर थ्री की आएगी, लेकिन कॉस्ट के बेस पे या डब्ल्यूडीबी के बेस पे? सेकंड ईयर है उसका, उसका भी सेकंड ईयर है। और एक नई मशीन इस साल आ चुकी है, उस पे इस साल डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे ही आएगी, क्योंकि उसका पहला साल है। लेकिन कितने अरसे की आएगी? अक्टूबर के बाद आएगी, अक्टूबर पूरा नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स की आएगी। आए जो कहा है उसे अप्लाई करो। वर्किंग नंबर थ्री कांडी मैं साथ साथ रहना है, और अगर किसी वर्किंग में कंफ्यूजन हो तो जरूर बताना। जी डियर मशीन नंबर वन, जस्ट अ मिनट बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड, जस्ट एक मिनट। मशीन नंबर वन लिख के डाटा ढूंढ के दिखाएं पहले। ना ना ऐसा नहीं मैंने मानना। व्हाट इज कॉस्ट? नहीं ना ना ना, रिड्यूसिंग वाला मेथड है। कॉस्ट तो 50 है, माइनस ढूंढने वर्किंग वन में अवेलेबल है पिछले 3 सालों की एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन। जी भाईजान बहुत अरसा हो गया इधर से नहीं पूछा। मशीन नंबर वन कॉस्ट मिल गई, 50,000 कॉस्ट मिल गई है सर। सर जी कॉस्ट मिल गई है, मशीन वन कॉस्ट मिल गई है। इसकी वर्किंग वन में से एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन ढूंढ के दिखाएं। वर्किंग वन मशीन नंबर वन पिछले 3 सालों में कितना रुपए डेप्रिशिएट हो चुकी है? टोटल वाला कॉलम 24,400 मिल गया, तो 24,400 क्यों माइनस कर रहा हूँ? रिड्यूसिंग वाला मेथड है, ऑनवर्ड ईयर्स है, तो माइनस 24,400 डब्ल्यूडीवी बन जाएगी और मल्टीप्लाइड बाय रेट पूरे साल का ही आएगा, पूरे साल का ही आएगा। लिखें और सॉल्व करें। 5120 लिखे लिखे। रिड्यूसिंग माइनस मेथड में फर्स्ट ईयर रेट किसे अप्लाई होता है?
और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स डब्ल्यूडीबी से मशीन नंबर टू करवा दे इस तरफ से करवा दे इस तरफ से मेरा भाई इस तरफ प्लीज भाई मशीन नंबर टू की बेटा फिगर्स बोल दे जरा नहीं बेटा एक मेरे कॉस्ट पर पहले बताए 20,000 एक्यूमुलेटेड बताए 5,600 रेट बता दें आंसर बता दें लेकिन 9 मंथ्स पहले करवा दें 9 मंथ्स बड़ा यूज है 9 मंथ्स 1 अक्टूबर तक मशीन नंबर टू फिर डैमेज हो गई ना तो 9/12 भी करेंगे ठीक है तो 2,10 ओके प्लीज ये मशीन नंबर 3 खुद से करें ये फैसला साहब डिसीजन लेना यार ये क्या बात हुई व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीन नंबर 3 15,000 पिछले साल तक डेप्रिशिएट हुई थी 1500 मल्टीप्लाइड बाय कितने मंथ्स जी फैसल कितने मंथ्स अच्छा साहब मशीन नंबर 3 2015 में कितना अरसा इस्तेमाल हुई है बेटा 6 मंथ्स कहां से निकालनी प्लीज 6 मंथ्स कहां से आ गए मशीन नंबर 3 पिछले साल लिए फैसल जाने दे गुस्सा यार फैसल साहब एक साल में कितने बेटा 4 महीने भी आ गए अब ये हिट एंड ट्रायल तो नहीं हो रहा 1, 2, 3, 4 ये तो बड़ी देर लग जानी है 3 भी आ गए और बेटा मशीन नंबर 3 हो रही है फैसल साहब पिछले साल ली थी 6 मंथ पिछले साल इस्तेमाल हुई है तो मशीन नंबर 3 2015 में कितना अर्सा इस्तेमाल होगी बेटा सब लोग गलती कर रहे हैं क्या हो गया ये 6 मंथ कैसे निकाली जा रहे हैं मैं करंट ईयर में पूछ रहा हूँ 2015 में प्लीज फुल ईयर ओके ये जिन जिन लोगों ने 6 मंथ 3 मंथ्स बताए आई एम टॉकिंग अबाउट मशीन नंबर 3 ओके प्लीज मशीन नंबर 3 आप लोग बड़ा कंप्लीट करें कंप्लीट नई मशीन भी है नई मशीन नंबर 4 मशीन नंबर 4 का फर्स्ट ईयर है 25 पहला साल डेट लगेगा लेकिन व्हाट इज द परचेज डेट और बेटा हकीम वो पिछला साल है यार और पिछला साल है वो हम 15 की बुकिंग कर रहे हैं यार शराज साहब मशीन लेने के बाद माय डियर मशीन लेने के बाद गिनने महीने तो नई मशीन कितना ऐसा इस्तेमाल हुई है अक्टूबर नवंबर दिसंबर और डैमेज मशीन नंबर 2 अक्टूबर से पहले पहले असल बेटा इस बार नहीं बात बननी यार ये तो कई दफा काउंट हो चुका 9 मंथ्स अक्टूबर से पहले मशीन नंबर 2 थी सितंबर तक और अक्टूबर के बाद भी नई मशीन आ गई ठीक है मिस्टर हसन 9 मंथ्स मशीन नंबर 2 के और 3 मंथ्स मशीन नंबर 4 के तब के तब तो फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाइड बाय 3/12 आंसर इज 1250 टोटल करें पैसा साहब सॉरी पैसा नहीं हसन आपकी कोई कंफ्यूजन है या ऑनलाइन स्टूडेंट्स करनी बता दो फिर आगे चले अब इसकी पोस्टिंग करें एंट्री बनाए जेन में डबल एंट्री फाइनल करें 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 फाइंड अप करें और सर ये मशीन नंबर 3 पिछले साल आई है यार 14 में आई है हम 15 की वर्किंग कर रहे हैं तो 15 में सर ये पूरा साल इस्तेमाल हुई है यार आखिर क्या कर रहे हैं यार
मशीन नंबर थ्री, मशीन नंबर थ्री में 6 मंथ्स आना है। अमीर हमजा साहब 6 मंथ्स आ गया है पिछले साल। हम 14 में खड़े हैं, 15 में खड़े हैं। मिस्टर अमीर हमजा इस साल में 6 मंथ्स आने थे बेटा, 14 में 6 मंथ्स आ चुके हैं वर्किंग नंबर वन में। हम 15 में हैं, क्या 15 में अब ये पूरा साल इस्तेमाल हुई है कि डिस्पोज नहीं हुई? ये लेजर्स बेटा बैलेंस हो सकते हैं यार, आप लोग वाइंड अप करें। डिस्पोजल अकाउंट भी देखें, बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग पोजीशन में आ गया है। ये मेरे सामने जो हजरात बैठे हैं, कोई कंफ्यूजन? देखिए बेटा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन समझ आ गई? डबल वन, डबल वन टू थ्री जीरो, टोटल बता दो। फोर सेवन थ्री जीरो। सर जी प्लीज कंप्लीट साइलेंस यार, आखिरी बातें सही तरह सुनो। 7 3 0 एंड सीडी बैलेंसेस 3 4 9 7 0। मैंने मशीनरी और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की सीरीज के साथ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखा। मशीनरी और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर्स के साथ सीडी जो आया है वो किन लेजर्स में लिखा जाता है जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है? मींस इनकम और एक्सपेंसेस के लेजर्स में। तो मैंने डिस्पोजल अकाउंट में क्यों लिखा? क्योंकि वो गेन या लॉसेज ने प्रॉफिट लॉस में जाना। तो सिर्फ किन लेजर्स में मैं लिख रहा हूँ जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है? तो मशीनरी और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एसेट अकाउंट, और उस एसेट अकाउंट में से डिडक्शन का नाम है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। ठीक है, पता है ये डिस्पोजल अकाउंट बैलेंस करने जी? सही, मेरा ख्याल है क्रेडिट फिगर से ज्यादा, 2 0 1 6 0, 2 0 1 6 0। जी उस्मान साहब, इंशाल्लाह कल से टाइम पे करते हैं। सॉरी फॉर टुडे। ये सर जी 160 गेन बनता है, गेन या लॉस क्यों? वो ठीक है क्रेडिट वाले सारा, लेकिन काइंडली एक मिनट कैलकुलेटर पे 20,000 लिखे, 20,000 का नाम बताए जल्दबाजी ना किया, कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम, बहुत टाइम है, और आज वापस भी आना है। तो आराम से जाएंगे, आराम से लगा ले टेक, आराम से बैठ। अब रिलैक्स होकर 20,000 लिखे, नाम बताएं 20,000। एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन ढूंढे कितनी है, माइनस करें, माइनस 7760 इज इक्वल टू दबाएं। जो भी फिगर आई ये WDV है, जो भी फिगर आ रही है ये WDV है। अब कैश ढूंढे कितना है, क्या ये ज्यादा? देखें ध्यान से देखें फिगर्स, तो माइनस करें 12,400 में से, तो कैश कितना ज्यादा है? 160, और ये 160 गेन, कैश ज्यादा होने की वजह से गेन। तो ठीक है क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने, WDV और कैश का डिफरेंस ही गेन या लॉस होता है। एंड वाई गेन? क्योंकि कैश ज्यादा आया। ठीक हो गया? ठीक है सर, इसके साथ P&L क्यों लिखा मैंने? इसने भी अदर इनकम में जाना है, इसने अदर इनकम में जाना है, लिखे इस क्वेश्चन के हद तक। एक मेरी बात रह गई है, लेकिन मेरा ख्याल कल करता हूँ मैं, लेकिन अभी काइंडली 2 मिनट आपने जरा बैठना है, आपके साथ जरा ब्लड डोनेशन के हवाले से वो सर ने जरा बात करनी है, तो एक दफा दोबारा सुन लीजिएगा, कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता। ऐसे तो हम अकाउंटेंट्स का खून निकलना या नहीं, ये भी एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन आपका शायद निकला है, मेरा तो पता नहीं, बताइए भी नहीं। तो काइंडली जरा बात सुन के नमाज के लिए आइए, आ जाए सर। ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इंशाल्लाह कल मुलाकात हो। एक वैसे फेवर रिक्वायर्ड है आप लोगों से,
एक फेवरी पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, सारी बात सुना करें यार, ये जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है आइडियल ये है, आइडियल बेटा ये है कि ये क्वेश्चन री अटेम्प्ट किया जाए। ये अभी आपने देख के लिखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे इसका, मैं नया क्वेश्चन अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये तो बड़े इनिशियल लेवल के भी क्वेश्चन है, इसी को रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है और बेस्ट ये रहेगा कि सही तरह दोबारा सॉल्व किया जाए। तो इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज। आप लोग बात सुन के उठिएगा।